प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत अब हम लगातार अगले 2-3 दिन एक ही विषय पर बात करेंगे और वह हमारी बातचीत होगी देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर। कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन कल से रायपुर में शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय अधिवेशन है, सही मायनों में कहें तो 2 दिन का अधिवेशन है, क्योंकि जो देश भर से तकरीबन 13-15 हजार कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं उनके लिए आयोजन 25 और 26 तारीख को है। पर इस अधिवेशन से जुड़ी हुई तमाम कमेटियों की बैठक कल अर्थात 24 तारीख को रखी गई है। बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता रायपुर की ओर रुख कर रहे हैं। हर साधन से लोग पहुंच रहे हैं, रेला बना हुआ है, शहर के तमाम होटल धर्मशालाएं बुक हैं। सब इसलिए हैं कि कांग्रेस अब एक निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार होने की घोषणा करने जा रही है। कांग्रेस ने ठीक 1 साल पहले की करीब उदयपुर में एक चिंतन शिविर आयोजित किया था। उसमें कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता एकत्रित हुए थे और उन्होंने देश के वर्तमान हालातों और उन हालातों के बीच में अपनी पार्टी की दीनहीन हालत पर चर्चा की थी, कुछ फैसले लिए थे और फैसले के तहत आने वाले समय में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और देश की जनता में विश्वास जगाने का ऐलान किया था। समीक्षा होगी इस अधिवेशन में कि चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों का कितना क्रियान्वयन हुआ और उस क्रियान्वयन ने देश में कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में किस उम्मीद को जगाया, हम इस पर ही बात करेंगे। आज हम ये भी इस बात समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 1 दशक से कांग्रेस बद से बदतर हालत में पहुंच रही है। जिस कांग्रेस के विषय में यह दावा कांग्रेस का आम कार्यकर्ता करता है कि हमारी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कटक से लेकर कोहिमा तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अस्तित्व रखती है, उसकी वस्तुतः देश में इस समय हालत क्या है। देश में 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत के साथ या जनादेश के साथ केवल 3 राज्यों में सरकार बची है। 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस बैसाखी की भूमिका में है, अर्थात सरकार किसी और पार्टी की है पर सहयोगी के तौर पर कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। हालत इस कदर बुरी है कि जिस दिल्ली राजधानी में जो अर्ध राज्य का दर्जा रखता है कांग्रेस 15 साल तक सत्ता में रही, आज उस कांग्रेस का एक भी विधायक सदन में मौजूद नहीं है जहां तकरीबन 68-70 विधायक बैठा करते हैं। जिस पांडिचेरी में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस पांडिचेरी में केवल 2 विधायक कांग्रेस के हैं। जिस देश में कांग्रेस की हुकूमत की हवा करती थी वहां पर कांग्रेस इतने सदस्य भी नहीं जीता पा रही है लोकसभा के लिए कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी आसीन हो सके। अभी भी 545 सदस्य लोकसभा में कांग्रेस के पास कुल 52 सीटें हैं। तो ऐसे बुरे हालात के बीच 2024 में कांग्रेस क्या कुछ करिश्मा करेगी, इस महाधिवेशन में कांग्रेस क्या फैसले ले सकती है और इस अधिवेशन से जनता क्या उम्मीद कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और सियासत के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लेकर कुछ तथ्य परख बातचीत करने की ईमानदार कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि देयर इज अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी, व्हेन देयर इज टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन अमेजिंग थिंग्स कैन बी अकॉम्प्लिश्ड, अर्थात एकता में बल है। जब टीम वर्क और सहयोग होता है तब अद्भुत चीजें हासिल की जा सकती है। मैटी स्टॉपनेक ने स्पष्ट शब्दों के साथ इसे व्यक्त किया, पर इस एकता की महत्ता को, सामूहिक प्रयास को अगर किसी विचारक के द्वारा व्यक्त न भी किया गया हो तो भी आम आदमी अपने जीवन के अनुभव के आधार पर इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि सफलता पाने के लिए इन दोनों चीजों का होना बेहद जरूरी है। पर यह बात देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस को समझ क्यों नहीं आती, इसे अपने जहन में रखते और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ शिवरतन शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ इकाई के, वह हमारे साथ हैं। हमारे साथ राजकुमार सिंह जी हैं, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपनी तटस्थ राय देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत हमारे साथ रमेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इन सबके बीच में देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ नेता मुकेश नायक, जो विचारवान राजनीतिज्ञ के तौर पर भी पहचाने जाते हैं, हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम राजकुमार सिंह जी से करते आए, हम नेताओं से बातचीत शुरू नहीं करते। एक पत्रकार कांग्रेस के इस आयोजन को किस दृष्टि से देख रहा है, इससे समझने की कोशिश करते हैं और शुरुआत राजकुमार सिंह जी से करते हैं।
राजकुमार सिंह जी का अभी एक आलेख हमारे हरिभूमि में भी प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के इस अधिवेशन को लेकर कुछ मुद्दों पर अपनी कलम चलाई। समझने की कोशिश करते हैं, क्या समझते हैं राजकुमार जी? एक औपचारिकता है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इंतजाम अच्छे हो जाएंगे इसलिए सारे लोग इकट्ठे हो गए, या कुछ ऐसा फैसले भी ले पाएंगे, ऐसे कुछ मुद्दों पर बात भी कर पाएंगे जिससे देश में दिशा जा सके? ये सवाल है, क्या कहते हैं अशोक जी? अभी तक तो यही होता आया है कि ज्यादातर अधिवेशन या इस तरह के आयोजन औपचारिकता मात्र बनकर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस जिस मुकाम पर पहुंच चुकी है, मुझे लगता है कि उसके लिए करो या मरो वाली स्थिति है, अगर हिंदी में मुहावरे का इस्तेमाल करें तो जी। अगर कांग्रेस ने रायपुर अधिवेशन में कुछ कड़े और बड़े फैसले नहीं लिए तो आगे का रास्ता उसके लिए बंद गली का आखिरी मकान साबित हो सकता जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने आंकड़ों के साथ बता दिया कि कांग्रेस जिसने दशकों तक देश पर और ज्यादातर प्रदेशों पर राज किया, आज वो कहां खड़ी जी? ये ठीक है कि कटक से दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी मिल जाएगा, लेकिन वो कार्यकर्ता कोई बड़ी लकीर खींचने की स्थिति में आज नहीं रह गया। इसलिए फैसला तो कांग्रेस को लेना पड़ेगा। उदयपुर चिंतन सभा की आपने बात कही, उदयपुर चिंतन सभा में कांग्रेस ने दो फैसले लिए जी, और मेरा मानना है कि फैसले इच्छा से लिए हों या अनिच्छा से लिए हों, लेकिन सही फैसले जी। पहला परिवार, नेहरू परिवार से बाहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में हमारे सामने है जी। तो दूसरा राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा, उसके प्रभाव और परिणाम भी निकले, बेशक सीमित तो जी, लेकिन सिर्फ उतने से बात बनेगी नहीं जी। राष्ट्रीय राजनीति की जो तस्वीर है आज, उसमें कांग्रेस बहुत छोटी खिलाड़ी जी। अगर आपको बड़ी लकीर खींचनी है तो कहीं ना कहीं बड़ी तस्वीर बनानी पड़ेगी, और उस तस्वीर में आपको बहुत सारे दूसरे किरदारों को अपने साथ लेना पड़ेगा। आप 1967-77 की तरफ चले जाइए, जब कांग्रेस की तूती बोलती थी और गैर कांग्रेसी दलों की कमोबेश वही दशा होती थी जो आज अन्य क्षेत्रीय दलों की है या खुद कांग्रेस की। तो तब गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का जमाना था। आज अगर आपको भाजपा का मुकाबला करना है, उसको चुनौती देनी है, तो कहीं ना कहीं राजनीति का मुहावरा गैर भाजपावाद की राजनीति के तौर पर गढ़ना होगा, और वो पहल करना कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी है, राजनीतिक जिम्मेदारी, इसलिए कि आज भी सबसे बड़ा दल वो है। तो कांग्रेस को रायपुर में तय ये करना है कि उसको अपनी सत्ता में वापसी की लड़ाई लड़नी है, जो शायद बहुत लंबी भी हो सकती है जी, या उसको भाजपा को चुनौती देनी। अगर भाजपा को चुनौती देनी है, वैचारिक लड़ाई लड़नी है, सत्ता की लड़ाई नहीं लड़नी, तो कहीं ना कहीं तमाम गैर भाजपाई दलों के साथ तालमेल बिठा करके एक गठबंधन बनाने की पहल करनी होगी, और उसके लिए पहली शर्त होगी कि जैसे नेहरू परिवार ने अपने आप को कांग्रेस नेतृत्व से विड्रॉ किया, वैसे ही कांग्रेस ये तय कर ले कि उसकी दावेदारी प्रधानमंत्री पद की नहीं है, उसकी लड़ाई वैचारिक है, उसको एक विचारधारा की लड़ाई लड़नी है, और उस वैचारिक लड़ाई के जरिए एक सत्ता परिवर्तन का रास्ता तैयार कर। राजकुमार जी ने तो एक अलग ही दिशा दे दी शुरुआत में ही पूरे कार्यक्रम को लेकर। मुकेश नायक जी हमारे साथ में हैं, इस दिशा को लेकर उन्हीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मुकेश नायक जी, दो विषय राजकुमार जी ने दृष्टि में लिए, ये पहले तो कांग्रेस इस अधिवेशन में तय करे कि उसे लड़ाई कौन सी लड़नी है, सत्ता में वापसी की लड़नी है या विचारधारा को परास्त करने की लड़नी है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को परास्त करने के लिए क्या त्याग करने को कांग्रेस तैयार है? ये राजकुमार जी का सवाल है। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है तो क्या उसका संगठन तैयार है? एक बिंदु तो यह है। दूसरा, उदयपुर के संदर्भ में बात हुई, उदयपुर में फैसले केवल क्या यही लिए गए थे कि नेहरू परिवार का अध्यक्ष नहीं होगा, नहीं है, या एक यात्रा? फैसले तो और भी बड़े बड़े थे। एक फैसला था एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का, एक फैसला था कि पार्टी में अब जो पद है वो 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हिस्से में 50% दिए जाएंगे। इन दोनों फैसलों का क्या हुआ? जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी अपने पास ही रखे हुए हैं, जो लोकसभा में नेता है कांग्रेस दल के
वो पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। तो इस विरोधाभास के बीच पार्टी के शीर्ष नेता मंच को सुशोभित करते हैं और बाकी कार्यकर्ता और नेताओं से उम्मीद करते हैं कि वो त्याग करें, पार्टी के लिए कुछ कुर्बान करें। उलझन है, थोड़ा सुलझाइए ना नायक साहब। देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई जी। पहली बात तो ये कि जो विचार बहने की प्रक्रिया है किसी राजनीतिक दल में, या भविष्य के लिए किस तरह का नैरेटिव कांग्रेस सेट करना चाहती है, एक बात जी। और दूसरी बात कि बीजेपी के सामने एक व्यवस्थित संगठन के द्वारा हम उसका एक राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करें, एक अच्छा शक्तिशाली संगठन हो, गांव गांव में हमारा कैटलिस्ट ग्रुप हो, उत्प्रेरक समूह हो, जो हमारे संदेश को भी ले जाए और जो कांग्रेस की विचार बहने की प्रक्रिया है उससे भी जनमत को अपने साथ जोड़े। मेरा एक कहना है कि ये 85वां कांग्रेस का अधिवेशन है राष्ट्रीय, और 1907 तक तो हमने केवल एक आर्थिक प्रस्ताव के अलावा किसी दूसरे प्रस्ताव को अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल ही नहीं किया। पहली बार नागपुर का जब अधिवेशन हुआ 1920 के आसपास, तब पहली बार कांग्रेस पार्टी ने नागपुर अधिवेशन में एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, और उस समय बहुत सारे फैसले इन पूरे हमारे राष्ट्रीय अधिवेशनों के बाद एक राजनीतिक और सामाजिक फैसले लेना हमने शुरू किए, क्योंकि आजादी की लड़ाई जिस तरह से चलती थी तो कोई दूसरे फैसले लेना, कोई दूसरे रेजोल्यूशन पास करना उस समय बिल्कुल प्रासंगिक नहीं लगता था। पूरी कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, पूरी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता केवल एक ध्येय को लेकर चलता था कि हमें आजादी चाहिए, हम स्वतंत्र भारत में रहना चाहते हैं, उसके बाद अपने देश का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक हम एक ढांचा तैयार करेंगे और एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो 1907 में के बाद नागपुर अधिवेशन में हमारा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का रेजोल्यूशन पहली बार आया। देखिए, नागपुर के पहले जब लखनऊ में अधिवेशन हुआ कांग्रेस पार्टी का, उस अधिवेशन में विचारधारा के दो फाड़ हो गए, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल अलग हो गया और गरम दल अलग हो गया, और पूरा राष्ट्रीय आंदोलन दो भागों में बट गया। एक गरम दल होने के नाते एक उग्र राष्ट्रवाद की परिकल्पना के साथ, और एक नरम दल का होने के नाते सत्य, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर महात्मा गांधी ने जो बताया उस पर चलते हुए हम एक राष्ट्रीयता को साथ में लेकर चलते थे। आज जो एक उग्र राष्ट्रवाद है भारत में, जो राष्ट्रवाद की एक अलग परिकल्पना है आजादी के बाद, उस समय राष्ट्रवाद की बिल्कुल अलग परिकल्पना थी। एक राष्ट्रीयता को सदैव कांग्रेस पार्टी लेकर चली है, और आज भी भारतवर्ष में मैं कहूं कि राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के बीच में विचारधाराओं का संघर्ष है, और राष्ट्रवाद का मतलब है कि हमारी आजादी, दूसरे की गुलामी, आज के राष्ट्रवाद का। अगर कोई हिंदू खड़ा, मुस्लिम खड़ा हो जाए और कहे कि हम इस देश में मुस्लिम राष्ट्रवाद चाहते हैं, कोई ईसाई खड़ा हो जाए कहे हम इस देश में ईसाई राष्ट्रवाद चाहते हैं, कोई सिख खड़ा हो जाए कि हम भारत में एक सिख राष्ट्रवाद चाहते हैं, तो इस तरह के आजादी के बाद जो समुदायों की राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है वो हमारी समृद्ध विविधता को अस्वीकार भी करती है, समावेशी और समतुमूलक समाज के लिए भी घातक है। और इसलिए ये जो रायपुर अधिवेशन है महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस अधिवेशन में हम क्षेत्रीय दलों के साथ अलग अलग प्रांतों में किस तरह का राजनीतिक व्यवहार करेंगे, फिर हम एक उग्र हिंदू राष्ट्रवाद का किस तरह से भारत में सामना करके जो राष्ट्रीयता हमारी मूल पहचान रही है कांग्रेस पार्टी की, उसके साथ भविष्य में आगे बढ़ेंगे, हमें ये तय करना है। ऐसा आपने बात बड़ी बड़ी कर दी, देश की चिंता आपने व्यक्त कर दी, हम यहाँ आपके दल की चिंता के लिए बैठे हुए हैं। तो देश के संदर्भ में तो तब आप कुछ करिए, पहले अपने दल की हालत तो संभाल लीजिए। क्या कांग्रेस थी और क्या कांग्रेस हो गई है, आप आज भी उससे सामना नहीं करना चाहते। हमने जानना चाहा, आपके नेता एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत बोलते थे, जो शीर्ष स्तर पर बैठे हैं वही पद छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा रहे, या लालच नहीं छोड़ पा रहे, जिस शब्द में भी समझना चाहे। क्या कांग्रेस का यह अधिवेशन बाध्य करेगा? कांग्रेस के अधिवेशन में अभी तक तो इस बात को लेकर चर्चा है कि जो कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च संस्था है उसके संदर्भ में मनोनयन से मामला बनेगा या निर्वाचन से बनेगा। इतना बड़ा अधिवेशन
और पार्टी इस बात को लेकर असमंजस में, लोकतंत्र की हिमायत होने की बात करते हैं और अपने संगठन में चुनाव कराने के नाम पर अभी तक तय भी नहीं कर पाते, थोड़ा रोशनी दीजिए। कांग्रेस में तो चुनाव हुआ है जी, और बीजेपी में चुनाव नहीं हुआ जी। बीजेपी में जरूर, बीजेपी जो कहती थी कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, आज आप देख लीजिए नड्डा जी का कार्यकाल काल ऑफिस में बैठकर एक प्रस्ताव पास करके बढ़ा दिया, कोई चुनाव नहीं हुए, कोई जिला से लेकर राज्य तक और सेंट्रल तक किसी निर्वाचन प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। कांग्रेस ने तो पीसीसी मेंबर बनाए, पीसीसी सदस्यता अभियान किया, पीसीसी मेंबर बनाए, जिलों में डीआरओ भेजे, मीटिंग हुई, रेजोल्यूशन पास हुआ, राज्य के पीसीसी मेंबर बनाए, पीसीसी मेंबर्स ने प्रस्ताव पास करके सर्वसम्मति से लोगों को अधिकार दिए कि हम चुनाव में ये चाहते हैं। आज उसी एआईसीसी मेंबर बनने के बाद उसी जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसी के द्वारा ये राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न होगा और उसमें देश, हमारा राजनीतिक दल वर्तमान में खड़ी हुई देश की परिस्थितियों के सामने किस तरह के फैसले ले, इस पर हम चलेंगे। आपने कहा ये एक जनरल भाषा बन गई है इस देश में कि कांग्रेस कमजोर हो गई है। देखिए महानुभाव जी, राज्यों में देखिए किसी भी राजनीतिक दल का 40-50 सालों में एक फेस आता है, एक दौर आता है और दुनिया के अनेक देशों में के लोगों ने देखा है कि 40-50 साल जिस 70 साल जिस पार्टी ने शासन किया हो, एक दौर आता है जबकि जनता बदलाव चाहती है और दूसरे को अवसर देना चाहती है। भारत में पिछले 10 सालों से ये दौर चल रहा है, ठीक है, इनको भी परख लेने दीजिए, इनको भी देख लेने दीजिए, इनको भी शासन कर लेने दीजिए। जब भारत का पहला बजट बना था 1951-52 में, तो भारत का कुल बजट 325 करोड़ रुपए था, पूरे देश का बजट। आज पूरे देश का बजट 40 लाख करोड़ है। हमने 70-75 सालों में अपनी इकोनॉमी को, अपनी आधारभूत संरचना को, अपनी सेना को, अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने औद्योगिक ढांचे को बहुत मजबूत किया है और इसमें जितनी भी सरकारें भारत में रही हैं सबका बराबरी का योगदान है, तब जाके ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जन्म इस देश में हुआ है। तो नायक साहब, मुद्दे जो सवाल के उसे छूना नहीं चाहते, वो नहीं जानना चाहते कि या खड़गे जी दोनों पद पे क्यों बने हुए, ये मेरा विषय नहीं है, बाकी विषयों पे बात करना चाहते हैं। शिवरतन जी मेरे साथ में है, मुगे नायक जी ने जो भारी भरकम शब्दावली का उपयोग किया उसे शिवरतन जी आप कितना घबरा गए, आपकी विचारधारा किस तरीके की विभाजनकारी है और कांग्रेस किस समावेशी विचारधारा के साथ देश को आगे ले जाना चाहती है, इस संदर्भ में कुछ निर्णायक फैसले रायपुर में लेने वाली है। जिस रायपुर में आप सत्ता से बेदखल 4 साल पहले कर दिए गए, उस रायपुर से वह पूरे देश में सत्ता में वापसी का रास्ता निकालेगी, क्या कहते हैं शिवरतन जी, क्या करेंगे आप? हिमांशु जी जी, आपने मुकेश जी से जो प्रश्न किया जी, वो प्रश्न का उत्तर वो इसलिए नहीं दे पाए जी कि उनको उत्तर की जानकारी है, सही उत्तर दे सकते हैं, पर वो सही उत्तर देंगे तो कांग्रेस से उनको बेदखल ना कर दिया जाए, इसलिए वो सही बात स्वीकार नहीं कर। वास्तव में कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है कि वो कोई निर्णय करे तो उस निर्णय को फॉलो करा सके, नीचे उसका पालन करा सके, इसमें सक्षम नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अशोक गहलोत जी का नाम तय होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, वहां मुख्यमंत्री के लिए विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल में बगावत होती है और ये कुछ नहीं कर पाते। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फार्मूला तय होता है, 2.5 साल बाद भूपेश जी को पद छोड़ना रहता है, विधायकों की परेड कराई जाती है, हाईकमान के सामने जो निर्णय होता है वो निर्णय ये फॉलो नहीं करा सकते। तो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इतना कमजोर हो चुका है, ये निर्णय कुछ भी कर ले पर प्रदेश इकाई में ये दबाव बना करके उसको पालन कराने में सक्षम नहीं, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, अभी आपने जो कहा ना कि ये भाजपा को विचारधारा को परास्त करना चाहते हैं, ये सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, वास्तव में कांग्रेस की विचारधारा कोई है ही नहीं, और विचारधारा होती तो कहीं कोई नैतिकता का सिद्धांत होता, कहीं शिष्टाचार का पालन होता। कल जो पवन खेड़ा जी का बयान आया माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, मैं तो आपके माध्यम से मुकेश जी से पूछना चाहूंगा कि मुकेश जी बताते पवन खेड़ा जी का बयान सही था क्या, माननीय प्रधानमंत्री जी के पिता तक चले जाना, या मोदी शब्द को मसूद अजहर, ओसामा दाऊद और आईएसआई से उसकी तुलना करना क्या उचित था क्या?
अगर मुकेश नायक जी कहे पवन खेड़ा ने सही कहा है, मुझे आपको प्रश्न कर ले, मैं पूछना चाहता हूं, तो कांग्रेस की कहीं कोई विचारधारा वह ही नहीं गई है और एक दो प्रांतों में है जी। ये प्रांत भी इनके पास जो है नवंबर में प्रांत भी इनसे छीने जाएंगे। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ में तो लूट मची हुई है, लूट। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है छत्तीसगढ़ का जिसमें माफिया हावी ना हो गया। पहले जब हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते थे तो खाली शराब माफिया की बात होती थी, आज कोल माफिया छत्तीसगढ़ में है, आज रेत माफिया छत्तीसगढ़ में है, आज सब प्रकार के माफिया यहां काम कर रहे हैं। कहीं वैचारिक पृष्ठभूमि होती तो इन माफियाओं पे कंट्रोल करने का काम होता। माननीय मुकेश जी ने एक बात कही, उग्रवास्तवा। मैं माननीय मुकेश जी से पूछना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त, उसके एक दिन पहले हमारी मातृभूमि विभाजित हुई, पाकिस्तान के नाम से एक नया राष्ट्र बना। यह विभाजन किस आधार पर हुआ था? यह विभाजन मजहब के लिए हुआ था कि नहीं हुआ? मुस्लिम लीग ने जो डायरेक्ट एक्शन चलाया था, वो डायरेक्ट एक्शन का शिकार कौन सी कौम हुई थी, कौन से धर्म को मानने वाले लोग हुए? अगर एक बार मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है तो उसके बाद आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो तुष्टिकरण का काम कौन कर रहा है? ऐसे लोगों को जो अलगाववादी आंदोलन चला रहे हैं, इनको मजबूत करने का काम कौन कर रहा है? अगर आज अलगाववादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, आज आतंकवादियों को दबाया जाता है जिनको लगता है कि हम धर्म विशेष के लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो कांग्रेस की विचारधारा कहीं रही नहीं गई है। गांधी जी ने जो कहा था ना आजादी के बाद, कांग्रेस का काम समाप्त हो गया और कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए जी। और वास्तव में गांधी जी की इच्छा का सम्मान कांग्रेस के नेता नहीं कर पाए, पर गांधी जी की इच्छा को 75 साल बाद हमारे देश की जनता पूरी कर रही है, देश की जनता पूरी कर रही है। शिवरतन शर्मा जी ने विस्तार के साथ में कहा, कुछ हस्तक्षेप कर जा रहे मुकेश नायक जी, मुकेश नायक जी हस्तक्षेप कर ले। शिवरतन जी, कुछ सवाल है मेरे आपसे करने के लिए जी। मुकेश जी देखिए, ये कह रहे हैं कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, ये कितनी हास्यास्पद बात है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि बीजेपी की एक विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है, और विचारधारा ये है अलगाव, घृणा, देश के 25 करोड़ लोगों को लगातार टारगेट करना और वही बातें लगातार दोहराना जिसका भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा से कोई संबंध नहीं है। 200 रुपए लीटर तेल है जनाब, 100 रुपए लीटर हो गया डीजल पेट्रोल, 500 रुपए की गैस की टंकी 1150 की हो गई है, यूरिया और फर्टिलाइजर के दाम कितने बढ़ गए, कृषि उपकरण के दाम कितने बढ़ गए। महानुभाव, कब तक ये रटी रटाई बातें उगलते रहोगे? जरा जो देश की परेशानी है और आम जनता की बेचैनी है उस पर भी तो कोई बात करो। अरे नायक साहब, एक बार बताइए, ये डीजल के दाम इतने हो गए, तेल के दाम इतने हो गए, रसोई गैस के दाम इतने हो गए, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 117 से पहले 282 और अब 302 हो गई, इसके संदर्भ में क्या कमाल है? इसके संबंध में ये कमाल है कि अलग अलग समय पर अलगाव की, घृणा की, बंटवारे की अलग अलग धूल हाथ में उठाओ, लोगों की आंख में झोंक दो, ताकि सामने खड़े मुद्दे अप्रासंगिक हो जाएं, सामने खड़ी परेशानियां देश का मुद्दा ना रहे और ऐसे विषय पर नैरेटिव चला जाए जो बिल्कुल अप्रासंगिक है, लोगों की दृष्टि में नहीं है, लोगों के विचार में नहीं है, और एक ऐसी मनोवैज्ञानिक रेखा खींची जाए देश की जनता के बीच में, ताकि बहुसंख्यक लोग पोलराइज हो जाए। केवल इस दिशा में बीजेपी काम करती है, उसका कोई संबंध नहीं है किस देश के। शिवरतन जी के पास जाऊं, उससे पहले नायक साहब इसी पर आपसे बात करना चाहूंगा आपसे, कि कांग्रेस सबसे पुराना राजनीतिक दल, वो कांग्रेस जिसके विषय में आप स्वयं कहते हैं हर जगह हम है, इसके बावजूद भी नैरेटिव जो है भाजपा सेट कर रही है, भाजपा जैसा चाह रही है देश वैसा चल रहा है, क्या इसको आप अपने नेतृत्व की विफलता नहीं मानते कि इतनी बड़ी विरासत कांग्रेस की होने के बाद भी, इतना बड़ा संगठन के स्तर पर देशभर में स्वरूप होने के बाद भी, आपके नेता इस देश में विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे कि हमारी नीतियां क्या हैं, और इसका नतीजा यह है कि आप भाजपा के संदर्भ में आरोप लगाकर यहां बैठे हैं। देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश करिए, आप बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप जानते हैं ये देश बहुत भावना प्रधान देश, विश्वास और धर्मांधता इस देश के अंदर है। आप देख रहे हैं कैसे लोगों के सामने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक रुद्राक्ष लेने के लिए, एक बेलपत्र लेने के लिए, पता नहीं उन्हें क्या मिल जाएगा। ऐसे लोगों के पास इतनी बड़ी भीड़ जाही केवल इसलिए रही है कि लोगों के पास अपने दुख दर्द को बांटने वाला कोई विकल्प नहीं है।
पहले बहुत ज्ञानवान लोग समस्या उठाते थे, उससे बड़े ज्ञानी उस समस्या का निराकरण करते थे। आज देश में मूर्ख लोग सवाल उठाते हैं और पूरा देश उसको हल करने के लिए जूझता है। ये देश में वैचारिक स्थिति है पूरे भारतवर्ष की। आप बात नहीं कर सकते, आप कुछ बात करेंगे उसका कुछ अभिप्राय बना दिया जाएगा, उसका कुछ अर्थ गढ़ दिया जाएगा और सारा का सारा मीडिया, सारे के सारे चैनल उसके उस अभिप्राय संपदा को बदलने में पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ लग जाते हैं। नहीं तो, एक मिनट, एक मुझे मासूम सा सवाल है मेरा, मतलब जितना भी दोष है वो इस देश की जनता का है, बाकी लोगों का है, कांग्रेस का नेतृत्व का कोई दोष नहीं है। मतलब मैंने आपसे सीधा सवाल किया कि क्या कांग्रेस की ये विफलता नहीं है, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व की विफलता नहीं है कि वह जनता में अपने प्रति भरोसा बरकरार रख पाने में कामयाब नहीं रह रही? ये हमारी विफलता है क्या जो हम अलगाव और बंटवारे का विष बीज नहीं बो रहे हैं लोगों के बीच में? ये हमारी विफलता है क्या? ये तो आपकी विफलता है कि अगर अलगाव का बीज बोया जा रहा है तो आप उसे रोक नहीं पा रहे। ये इतनी चतुराई से, इतने तरीके से ये काम इस देश में कर रहे हैं कि जब तक आदमी ठगा जाए, जब तक आदमी होश में आए, तब तक उसके हाथ से चीजें चली जाती है। शिवराज जी कुछ कहेंगे आप? नहीं, बड़े गंभीर किस्म के आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आप इस देश में अलगाव के बीज बोकर विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं और भावनात्मक आधार पर लोगों को एक तरफ पोलराइज कर रहे हैं और कुल मिलाकर देश को जब पता चलेगा आपने किस कदर बर्बाद कर दिया बहुत देर हो जाएगी। बड़े गंभीर किस्म के आरोप है शिवरतन जी, मौन रह के सुनेंगे या उसका प्रतिकार करेंगे? शिवरतन जी की बात सुने। हिमांशु जी, मुकेश जी मेरे से सीनियर हैं, मैं मध्य प्रदेश में विधायक था तो मुकेश जी वहाँ मिनिस्टर थे जी। मैं मुकेश जी से खाली दो बातें पूछता हूँ। आप हम पे उग्रवाद का आरोप लगाते, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया मिजोरम में जी, और मिजोरम के घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख था कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो चर्च के अनुसार भागी सरकार को संचालित किया जाएगा। मनमोहन सिंह जी का सार्वजनिक बयान आया कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं संशोधित करूंगा शिवरतन जी, मुसलमान शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल किया था। अल्पसंख्यक में आज की तारीख में मुसलमानों को ही जोड़ा जाता है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है जी। तो ये क्या क्या भाव था जी? अरे अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। शरीर का जो अंग कमजोर होगा शरीर का ध्यान उसी पर तो जाएगा। अब शिवरतन जी आपने बात कर दी कि वहां पर ये घोषणा पत्र था उसमें ये कहा गया कि चर्च के अनुदान संचालित होगा, तो आप तो गाय के लिए इतना बड़ा अभियान चलाते हैं, आपके मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बयान दिया है हम तो बीफ खाते हैं, मेरी पार्टी को कोई ऐतराज, मेरी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। अब इस विरोधाभास में भी आप कुछ कह लीजिए। शिवरतन जी की बात तो सुन ले। देखिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे इस बात के प्रयास में केंद्र की सरकार भी इसके लिए काम कर रही है। इस देश में मजहब के आधार पर राजनीति करने का काम किसी राजनीतिक दल ने किया वो राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खाली वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण का काम किया। आज देश का बहुसंख्यक समाज संगठित होने लगा तो इनको तकलीफ हो रही, ये इस बात को करते हैं कि बार बार इसकी बात की जाती है बहुसंख्यक समाज संगठित हो जाए। अरे भाई अब तक आपका वोट बैंक अल्पसंख्यक समाज बना हुआ था, अब वो अल्पसंख्यक भी आपके वोट बैंक से आपसे चिढ़ाए हो गए तो आपको तकलीफ हो रही है। श्रीमती जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, मुझे आना रमेश शर्मा जी के पास है पर नायक साहब को यह सहूलियत है कि वो अभी स्टूडियो में मौजूद है तो हर मामले में दखल देने की स्वतंत्रता के साथ बैठे हुए हैं। शिवरतन जी ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की सियासत में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने का एक परंपरा रही और उसे एक वोट बैंक के रूप में तैयार किया। अब हालात बदल गए हैं, अब जो बहुसंख्यक है वो एक वोट बैंक में तब्दील हो गया है और वो भाजपा के साथ हो गया है, और जो अल्पसंख्यक थे वो कांग्रेस के साथ नहीं रहे इसलिए कांग्रेस की यह हालत हो गई है। इसके संदर्भ में नायक साहब मैं आपसे टिप्पणी बाद में लूंगा, पहले रमेश शर्मा जी के पास चलूंगा इसी बात का विस्तार लेने के लिए कि यही कांग्रेस के पराभव का मूल कारण आप रमेश जी मानते हैं या इसके अंतर एक वैचारिक दारिद्र का संकट है कांग्रेस के पास, कांग्रेस की विचारधारा? ये बोला तो जाता है पर वो विचारधारा क्या है इसका उत्तर नहीं सोचता तो लोग रटी रटाई बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी विभाजनकारी है, धर्मांतरता फैलाती है, बहुसंख्यकों के संदर्भ में इस प्रकार की बातें करती है, या इसके तरह आप कुछ और देख पाते हैं रमेश जी? देखिए मोटे तौर पर यहाँ दो बात सामने आती है जी। एक बात तो ये आती है कि व्यक्ति या संगठन की सफलता क्यों होती है, उसके तीन कारण होते हैं। एक तो उसमें संगठन की क्षमता हो,
दूसरा उसका नेतृत्व की छवि हो, वो तीसरी समयानुरूप उसमें रणनीतियां हो, उस आधार पर वो राजनीतिक दल अपनी प्रभाव बढ़ाता है। समय के साथ कांग्रेस इन तीनों चीजों में गिरावट आई है, नेतृत्व की छवि में भी गिरावट आई है, संगठन में भी गिरावट आई है और उनकी रणनीति में भी गिरावट आई है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात जो मुझे लगता है, इस समय समाज में एक जागरूकता आ रही है, जिस जागरूकता के कारण अगर नुकसान हो रहा है तो उस जागरूकता का नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अलगाव की राजनीति, बेमनस की राजनीति यहां अंग्रेजों ने शुरू की थी और अंग्रेजों के जाने के बाद संयोग से जो लोग भी सरकार में आए 47 के बाद, उन्होंने अंग्रेजों के उस बेमनस की, उस अलगाव की, उस टुकड़े टुकड़े करने की उस राजनीति को बरकरार रखा। मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं, मुझे आप ये बताइए कि हिंदू के लिए कानून अलग है और मुसलमान के लिए कानून अलग है, हिंदू की लड़की की शादी की आयु अलग है और मुसलमान की लड़की की शादी की आयु अलग है। आप मुझे बताइए, अगर अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया जाना है तो जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक के अधिकार हिंदू को उन राज्यों में, 7 राज्यों में क्यों नहीं मिलता? इसके अलावा भी भाषा के आधार पर आपको प्रांत बनाना है, जाति के आधार पर आपको कानून बनाना है, ये सारा का सारा काम तो अंग्रेजों में गए। इसके अलावा बहुत दिनों बाद लोगों को ये बात की जागृति आई, हम कहने के लिए कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए। ठीक है कि हम स्वतंत्र हो गए, अगर 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए थे तो हमारे सर पर माउंटबेटन क्या कर रहा था, वो गवर्नर जनरल क्यों था? पाकिस्तान अगर स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तान का आदमी जिन्ना वहां का गवर्नर बना, यहाँ का आदमी जो अंग्रेजों का वायसराय था वो हमारा गवर्नर क्यों रह गया? तो कुल मिलाकर के समय के साथ ये जागृति समाज में आती चली जा रही है। तो इस जागृति के कारण कहीं ना कहीं एक और बात समझ लीजिए, जीवन दो प्रकार का होता है, एक सिद्धांत का होता है और एक स्वार्थ का जीवन होता है। कहीं ना कहीं ये जो भाव जागृत हुआ है, उस सिद्धांत का भाव जागृत हुआ है, अब उसमें कोशिश ये की जा रही है कि सिद्धांत को कमजोर करने के लिए स्वार्थ जगाया जाए। निश्चित रूप से मैं ये बात मानता हूं, सैद्धांतिक रूप से 2014 के बाद जो भारत राष्ट्र ने निर्णय लिए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का निर्णय हो सकता है या कश्मीर की धारा 370 हटाने का फैसला हो सकता है, अयोध्या का फैसला हो सकता है, कॉरिडोर का फैसला हो सकता है, ये सिद्धांत और संस्कृति को मजबूत करने वाले फैसले हैं। इस तरफ से लोगों का ध्यान हटे, इसलिए स्वार्थ की बात की जाती है कि दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। मुझे एक बात बताइए, राष्ट्र के हित के लिए बलिदान देने का काम क्या केवल सेना पर खड़े रहने वाले जवान का है या जो क्रांतिकारी मर गए उन्हीं का काम था? क्या हम ये काम नहीं है? कब ठीक है कि हम दो रोटी महंगी खा लेंगे, हम महंगे पेट्रोल में चल लेंगे, कुछ पैदल चल लेंगे, लेकिन राष्ट्र को मजबूत होना चाहिए। आज अगर राष्ट्र मजबूत हो रहा है, कहीं ना कहीं एक मैसेज है, आप अंतर देख लीजिए, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिली उन राज्यों में दिल्ली के लिए भाजपा को या मोदी को ज्यादा सीटें मिली। मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए, 2018 के चुनाव में भाजपा यहाँ सरकार में नहीं आ पाई थी, लेकिन 19 के चुनाव में कितनी सीटें मिली? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, कितनी सीटें मिली? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा को कितनी सीटें मिली? कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्रभाव का जागृत हुआ है, मैं राष्ट्रवाद की बात नहीं कर रहा हूं, वाद शब्द जब आएगा बाद में हमेशा विवाद भी होता है, प्रतिवाद भी होता है, तो राष्ट्रभाव का जागरण हुआ है, संस्कृति का जागरण हुआ है। और आपकी क्षमा याचना के साथ एक वाक्य मैं कहना चाहता हूं, मेरे पिताजी जब दुनिया छोड़ गए उनको बड़ी इच्छा थी कि वो अयोध्या में राम मंदिर को बनता हुआ देखें, लेकिन कुल मिलाकर के वो देख नहीं पाए। कहीं 1000 वर्ष से जो दलित हो रही थी भावनात्मकता राष्ट्रभाव की, सनातन संस्कृति की, कहीं ना कहीं 2014 के बाद उसमें जागरण आया है। तो आज अगर कॉरिडोर काशी में बना है, आज अगर कॉरिडोर बना है अयोध्या में, हमारे यहाँ उज्जैन में भी कॉरिडोर बना है, लोगों को इस बात का इंतजार था, इसकी वो पूर्णता। अगर रमेश शर्मा जी, थोड़ा मेरे सवाल है आपसे, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, कमाल है, और सोमनाथ में अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो किसी के हिस्से में नहीं दर्ज की जाएगी क्या? क्या इस देश में आजादी के बाद में सोमनाथ मंदिर को पुनर्स्थापित नहीं किया गया था? क्या उस योगदान को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई, कमाल हो गया। और बांग्लादेश का निर्माण जो कराया गया उसके लिए उस पार्टी के संदर्भ में कोई योगदान देश नहीं मानेगा क्या? ये सवाल हो गया। हम आधी रोटी खा सकते हैं, गैस के दाम बढ़ सकते हैं, ये तो भाई 2008-2010 के दौर में भी देख सकते थे, उस समय पर तो ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तब क्या देश के लिए काम नहीं हो रहा था? तो थोड़ा विरोधाभास है। क्या आप मुकेश नायक जी की इस बात के साथ ही जाना चाहते हैं, एक भावनात्मक आवेग पैदा कर दिया गया है और उसके चलते अब जो बेसिक जिम्मेदारी सरकार की है उस विफलताओं के संदर्भ में ध्यान देने की जरूरत नहीं?
देखिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, जिन दोनों ताला खुला है अयोध्या का, या अयोध्या में कहीं ना कहीं जब रामलला प्रकट हुए हैं और उसका पूरे देश ने उस समय जो भी सरकार थी, गोविंद बल्लभ पंत जी की शायद सरकार थी, उस सरकार का स्वागत किया है। जब गुजरात में राम बना है, मंदिर बना है, जो ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ है सोमनाथ का, उस समय वहां की जनता ने उसका स्वागत किया है। कल्पना कर सकते हैं 1971 में अगर भारत ने जीत दर्ज की है पाकिस्तान के ऊपर, 93,000 सैनिकों का अगर समर्पण कराया है, बांग्लादेश अलग बना है, पूरा का पूरा देश इंदिरा जी के साथ खड़ा हुआ है, गीत लोगों ने रचे हैं कि इंदिरा हिंदुस्तान बन गई, लोगों ने उनको दुर्गा की तुलना दी थी। लेकिन एक बात, एक उपलब्धि को लेकर के जीवन भर उसको लेकर, उपलब्धि को लेकर के जिया नहीं जा सकता। समय समय पर कांग्रेस उस पीछे हटी है, कांग्रेस अगर पीछे नहीं हटती तो उसका जनमत कैसे कमजोर होता। आप देख लीजिए 1971 के चुनाव में पूरे देश ने किस तरीके से उनको बहुमत दिया था। तो कुल मिलाकर के अच्छे काम करेंगे तो आपको लाभ होगा, और ये सरकार जब तक राष्ट्र संस्कृति के लिए काम कर रही है तब तक ये सरकार है, जिस दिन नहीं करेगी उस दिन ये सरकार हट जाएगी। कुल मिलाकर रमेश शर्मा जी ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि वर्तमान में जो पार्टी सत्ता में है, सरकार के तौर पर काम कर रही है, वो राष्ट्र और संस्कृति के लिए काम कर रही है, इसलिए देश इनके पीछे चल रहा है। कांग्रेस भ्रम की स्थिति में है, इसलिए संकट बना हुआ है। क्या राजकुमार जी इस विचार के साथ इत्तेफाक रखते हैं, यही समस्या है, या भाजपा के पास में स्पष्टता है हमें करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, और कांग्रेस के पास में ना तो यह पता है कि करना क्या है। अब जब यही नहीं पता है कि करना क्या है तो ये कैसे तय करेगी कैसे करना है, और इसलिए सब कुछ गड़बड़ है। क्या कहते हैं राजकुमार जी? मानसो जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो संकट है जी वो 1975 के बाद से शुरू होता है जी, जब कांग्रेस अपनी विचारधारा से विमुख होती है या विचलित हो जाती जी। उसके बाद से मेरा मानना है कि कांग्रेस वैचारिक रूप से भी विचलित हुई और संगठनात्मक दृष्टि से कमजोर हुई। कुल मिलाकर कांग्रेस एक राजनीतिक दल के बजाय, राजनीतिक संगठन के बजाय सत्ता तंत्र बन के रह गई। मुकेश नाइक जी मौजूद हैं और मेरा ख्याल है उस दौर का हमको बहुत अच्छी तरह याद होगा। 1984 में कांग्रेस की 413 सीटें आई जी, भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आई थी 1984 से 2014, अगर 19 की चर्चा न भी करें जी। इस 30 साल के बदलाव को मुकेश नाइक जी एक राजनेता की दृष्टि से या कांग्रेस नेता की दृष्टि से भी तो कभी आत्मविश्लेषण करें इसका। सिर्फ ये कह देना कि देश में भावना भड़का दी, अलगाववाद भड़का दिया, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि देश का मतदाता बिना विवेक के फैसला करता है, देश का मीडिया बिना विवेक के काम करता है। आप अपनी विफलता का दोष दूसरों पर न बांटें। स्पष्टता यह है कि आपका नेतृत्व वैचारिक रूप से विचलित होता गया, नेता कार्यकर्ता से कट गए, कार्यकर्ता जनता से कट गए, और भारतीय जनता पार्टी ने 1980 के बाद, पार्टी बनने के बाद, और 1984 में 2 सीटों पर सिमटने के बाद एक वैचारिक स्पष्टता के साथ, एक स्पष्ट एजेंडा के साथ काम किया। जहां तक सवाल सामाजिक विभेद का है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, न कांग्रेस उसमें कभी उस परहेज किया कांग्रेस ने, न बाकी दलों ने किया। हर व्यक्ति ने, हर दल ने, हर नेता ने जाति धर्म के विभेद का अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन एक बात जो रमेश शर्मा जी कह रहे थे जी, कि राष्ट्र संस्कृति, सरकारों का चयन जो मतदाता चुनते हैं खाली राष्ट्र संस्कृति के लिए नहीं होता, वो आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता हो सकती है किसी दल की, किसी नेता की, सरकार का चयन गवर्नेंस के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं किसी भी सरकार को उस कसौटी पर अंततः कसा ही जाएगा। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी राजकुमार सिंह जी ने की है सरकार के संदर्भ में। मैं मुकेश नायक जी के पास आना चाहता हूं, पर शिवरतन जी ने कोई हस्तक्षेप करना चाहा था, एक बार उनकी बात सुनते हैं फिर नायक जी से बात करते हैं। भाई इतने संकट में तो बात हो गई, इसके आगे कांग्रेस की राह क्या, ये समझेंगे उनसे, पर उससे पहले शिवरतन जी का हस्तक्षेप। जी शिवरतन जी। हिमांशु जी, जी आपने रमेश जी से प्रश्न किया था जी बांग्लादेश के युद्ध का और सोमनाथ की मंदिर का जी। सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ जी, और उसमें सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे प्रथम राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका थी जी। पर उस पूरे घटनाक्रम देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की क्या भूमिका थी पूरा देश जानता है जी। बांग्लादेश में हमारी सेना ने विजय प्राप्त की, 93,000 सैनिकों ने हमारी सेना के सामने आत्मसमर्पण किया जी। हम 71 में इस स्थिति में थे
कि हम कश्मीर के विवाद को 71 के युद्ध के समझौते के दौरान निपटा सकते थे, पर हमारी सेना ने 71 में जो विजय प्राप्त की, हम जब समझौते के टेबल में बैठे हम उस विजय को पराजय में बदल हमारे जो समझौते में हम प्राप्त कर सकते थे हमने सब कुछ दे दिया, लिया कुछ भी जी। तो बांग्लादेश और सोमनाथ, बांग्लादेश का तात्कालिक लाभ कांग्रेस को मिला था, पर बाद में जनता समझ गई कि हमारी सेना का जो सर्वोच्च बलिदान था, उनके युद्ध की रणनीति थी, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से हम हार चुके, तो कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ है। और बने राजकुमार जी गवर्नेंस की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय संस्कृति के लिए हमारी मोदी जी की सरकार काम कर रही, पर आज पूरे देश में जो गवर्नेंस है वो भी तो अच्छी है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, जीरो टॉलरेंस में सरकार काम कर रही। और जहां तक महंगाई की बात, मैं तो खाली माननीय मुकेश जी से निवेदन करूंगा कि 2004 से 2014 के बीच जो महंगाई बढ़ने का रेशो था, 2014 से 2022 के उससे तुलना कर तो कम ही है, तो महंगाई भी इतनी अनियंत्रित नहीं हुई है कि जिसको हमको चिंता करना पड़े। उसके बाद भी सरकार प्रयास कर रही, 2014 में 120 रुपए किलो राहत की दाल बिक्री, आज 2022 में भी 120 रुपए किलो में आपको राहत की दाल मिल जाएगी। आप 200 रुपए तेल की बात कर रहे हैं, 2014 में भी 165 से 75 रुपए के बीच खाने का तेल बिक रहा था, तो महंगाई भी इतनी नहीं बढ़ी है जिसकी आप चिंता कर रहे हैं। उसके बाद भी महंगाई को नियंत्रित करने का सरकार प्रयास कर रही है। सरकार प्रयास कर रहे हैं। श्रीवर्धन जी ने विस्तार से बताना चाहा कि कांग्रेस के खाते की जो आप उपलब्धियां भी बता रहे हैं वो भी इतनी साफ सुथरी उपलब्धियां नहीं है। पंडित नेहरू की सोमनाथ के समय पे क्या भूमिका थी, बांग्लादेश की लड़ाई सीमा पे जीती पर आपने टेबल पे हार दी, पर अब तो आपके हाथ किसी ने नहीं रोके। शिवरतन जी बहुत दमखम के साथ में है, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी वहीं क्यों रुक गए, लाहौर जीत ही लाते, देश के सम्मुख कुछ और बताने के लिए आपके पास रहता, बड़ा चूक गए आप भी। जैसे आप बताते ना कि कांग्रेस चूक गई, आप भी चूक गए, हवाई जहाज वहीं तक क्यों रह गए, आपका दमखम तो बहुत ज्यादा है। बहरहाल मैं नायक जी के पास में आता हूं, क्योंकि हमारे विषय के केंद्र में केंद्र की सरकार नहीं है, हमारे विषय के केंद्र में वो कांग्रेस है जिसके पास 137 साल का इतिहास है, पर भविष्य को लेकर कोई आस है कि नहीं है, ये सवाल है। तो नायक साहब सीधे तौर पर आप ये बताएं कि है क्या रोडमैप। निश्चित रूप से हमारा एक आजादी की लड़ाई से लेकर और आजाद भारत तक इस देश में लोकतंत्र निर्माण का एक स्वर्णिम इतिहास हमारे पास है। भारत में इतनी लोकतांत्रिक संस्थाएं कांग्रेस पार्टी ने बनाई, विधानसभा लोकसभा से लेकर ग्राम पंचायत तक पूरा सहकारी आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया, पूरा बैंकिंग सिस्टम कांग्रेस पार्टी ने इस देश में खड़ा किया, पूरे बहुत बड़े बड़े कारखाने और बहुत बड़े एजुकेशन के इंस्टीट्यूट खड़े किए, लेकिन जितनी क्षमता थी उसके अनुसार काम किया। उन 1951-52 में कांग्रेस का टोटल बजट मैंने अभी बताया था पौने 300 करोड़। जो भी पैसा इस देश में आया है पिछले 15 सालों में भरभरा के इस देश में पैसा आया है। इसके पहले तो जब मैं 1985 में विधायक था, मेरे ख्याल से मेरे भाई जो यहाँ बीजेपी के विधायक जी बैठे हैं ये 93 में मेरे साथ मध्यप्रदेश विधानसभा में आए, मैं 1985 में विधानसभा का सदस्य बना जब 3500 करोड़ मध्य प्रदेश का बजट था, 3500 करोड़ कुल, और आज मध्य प्रदेश का बजट 3.25 लाख करोड़ है। तो हमारे देश ने प्रोग्रेस की, अभी जो प्रोग्रेस एकदम से ज्यादा दिखने लगी इस देश में, क्योंकि इस बीच में इस देश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हुई, लोगों ने टैक्स दिया, लोगों ने पैसा दिया, सरकारों ने टैक्स लिया अच्छी तरह से, तो एक इकोनॉमी बनी, एक बजट बना भारतवर्ष का, और आज हम आर्थिक रूप से एक चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में। देखिए जहां कश्मीर की बात है, जहां समान नागरिक संहिता की बात है, जहां ऐसे मुद्दों की बात है जो जीवन को स्पर्श करते हुए नहीं है, मेरा ये कहना है कि पूरे देश का नैरेटिव आप उस दिशा में ले जाइए जो जीवन को स्पर्श करने वाला हो। इस दिशा में अगर आप नैरेटिव ले जाते हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव को, जिसका आदमी से, उसकी प्रगति से, उसकी पीड़ा से कोई संबंध ही नहीं है। मैं नायक साहब आपको थोड़ा रोकता हूं, देश की चिंता बाद में कर लेंगे, अभी आपके दल की चिंता कर लेते हैं। हमारे विषय के केंद्र में आपका दल है, क्या कांग्रेस इस अधिवेशन में कोई साहसिक फैसले लेगी, क्या कांग्रेस तय कर पाएगी कि हम अगला लोकसभा चुनाव, आप देखिए एक तरफ 302 सीटें हैं तो अभी मोदी जी 3 महीने पहले अधिवेशन में ऐलान करते हैं समय ज्यादा नहीं बचा है, 400 दिन बचे हैं,
जुट जाएं सारे कार्यकर्ता, एक एक बूथ पर जाएं, एक एक बूथ के एक एक मतदाता तक पहुंचे, 400 दिन मात्र बचे हैं। एक आपकी पार्टी है जो कहती है, एक मिनट नायक साहब मेरी बात पूरी हो जाए, जो कहती है अभी बहुत टाइम बचा है। आपकी पार्टी ने अभी तक ये तय नहीं किया कि हम अकेले लड़ेंगे साथ में लड़ेंगे, लड़ेंगे तो हमारे पास चेहरा कौन होगा, राहुल गांधी चेहरा रहेंगे नहीं रहेंगे, तो आपसे जानना ये चाहते हैं। इतना जमावड़ा कर रहे हैं, 13,000 कांग्रेस के अलग अलग क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, इनके बीच में क्या नेता के संदर्भ में फैसला हो पाएगा, ये हमारा सवाल है। कांग्रेस कैसे अगला लोकसभा चुनाव लड़ेगी, कैसे पे फैसला ले पाएगा, ये सवाल है। जो फैसले चिंतन शिविर में हुए थे वो क्रियान्वित होते हुए दिखेंगे, ये तीसरा सवाल है। और कांग्रेस की सर्वोच्च इकाई निर्वाचित होगी या मनोनयन की परंपरा के तहत चरण वंदना में लगेगी, ये सवाल है। चार सवालों के उत्तर मुकेश जाएंगे। देखिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आपने पहले कहा है संगठन, आज पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे भारतवर्ष में कि हमारे ग्रास रूट लेवल तक बीएलए तक हमारा संगठन बन चुका है। मैं खुद एक भोपाल राजधानी का प्रभारी हूं संगठन का। हम सब सीनियर लीडर्स को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि मंडल सेक्टर पूरे पोलिंग बूथ के प्रभारी और बीएलए वहां तक पार्टी को ले जाओ। और मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अपने पूरे संगठनात्मक ढांचे के साथ ग्रास रूट लेवल पर पूरे उत्प्रेरक समूह के साथ अभी चुनाव में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लोकसभा और जिन राज्यों में विधानसभा का है दोनों चुनाव में जाने के लिए तैयार है। जहां तक लीडरशिप का सवाल है, पहले बीजेपी ये कहती थी कि ये गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल सकती ये पार्टी। एक फैसला लिया हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कि उन्हें नहीं बनना राष्ट्रीय अध्यक्ष। कौन है बीजेपी में या दुनिया में ऐसा नेता कि जिसकी श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। पूरे पूरे मेंबर पार्लियामेंट ने उनसे कहा कि आप बन जाइए, केवल हां कहने की देरी थी और वो बन जाती। उन्होंने मना किया, प्रधानमंत्री का पद ठुकराया दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का। राहुल गांधी जी ने जो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रही है परंपरा में भारत में, उसके अध्यक्ष पद का को ठुकरा दिया। सारी पार्टी ने कहा, उन्होंने उसको नहीं लिया। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास एक गंभीर एक अनुभवी नेतृत्व खटके जी के रूप में है कांग्रेस पार्टी के पास, और बहुत व्यवस्थित ढंग से हमारा कार्य संचालन हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि चेहरा बताओ, आप ये कह रहे हैं कि राज्यों में क्या करोगे। देखो मैं बता दूं, राज्यों में हमारा चुनाव के पहले किसी भी राज्य किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। हमारा जो भी अलाइनमेंट होगा वो पोस्ट पोल अलाइनमेंट होगा। चुनाव के बाद हमारा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ जो हमारे समान विचारधारा के उसमें आएंगे, जो बीजेपी को परास्त करने की इच्छा रखते हैं, बीजेपी के खिलाफ हमारी समान विचारधारा से मेलजोल रखते हैं, उन तमाम राजनीतिक दलों से हम पूरे देश के राज्यों में चुनाव के बाद गठबंधन करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार बीजेपी जिस तरह से राज्यों में कमजोर हुई है, 2024 बहुत चुनौतीपूर्ण होगा बीजेपी के लिए। 2024 बहुत चुनौतीपूर्ण होगा बीजेपी के लिए। शिवराज जी आपकी आंखें छलछला नहीं आई त्याग के संदर्भ में जो मुकेश डायगी ने बताया, सहम नहीं गए आप? आपके पास है ऐसा कोई त्याग या ऐसी तपस्या? सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया, सब लोग लाइन में लगे थे तब भी, राहुल गांधी ने अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया, आपके यहां तो रूट कर बैठ गए थे आडवाणी जी, जब मोदी जी को आप लोग चुन रहे थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर गोवा की सभा में, याद है ना आपको? क्या दुर्गत करी है पूरे सीनियर नेताओं की। एक बार देखिए शिवरतन जी क्या बोलते हैं। जी शिवरतन जी, हिमांशु जी, आज माननीय मुकेश जी बोल रहे हैं कि खड़गे जी के नेतृत्व में चुनाव होगा जी। मैं खाली आपसे ही पूछता हूँ, रायपुर में जो प्रचार साहित्य लगे हैं, खासकर फ्लैग्स लगे हैं, उसमें हाईलाइट कौन हुआ है? खड़गे जी हुए हैं कि राहुल गांधी और सोनिया जी? खड़गे जी वास्तव में स्वतंत्र होकर काम करने की स्थिति में नहीं है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल से वो संचालित। शिवराज जी आपको नहीं लगता है कि खड़गे जी लगभग वैसे ही दिख रहे हैं जैसे माननीय जेपी नड्डा जी भाजपा के पोस्टर में दिखते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ? शिवराज जी या उससे अलग कुछ दिख रहा है आपको? थोड़ा सवाल है आपसे। बिल्कुल सीधा उसका जवाब भी है जी। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, और मान लो प्रधानमंत्री जी को अगर नेता के रूप में स्वीकार करते हैं तो देश का नेतृत्व करता है वो, हमारे नेता है नरेंद्र मोदी जी। बट राहुल गांधी जी क्या है? अभी खड़गे जी के आगे राहुल गांधी जी की फोटो लगी है तो रिमोट कंट्रोल से राहुल गांधी जी ही। राहुल गांधी जी कांग्रेसियों के नेता है, इसमें आपको ऐतराज किया है? जैसे आपने बोल दिया कि प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है,
आपकी पार्टी बोलती है हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी है, जेपी नड्डा नहीं है, बोलती है ना आपकी पार्टी। इतनी तो उनको स्वतंत्रता दी, आप तो बिल्कुल ही उनकी सांस रोक देना चाहते हैं, सब कुछ तो रोक दिया, अब ये भी रोक दो आप। शरद जी इतना ज्यादा अत्याचार तो ना करो, कम से कम इतना तो पार्टी को छोड़ो, वो जिसको चाहे उसे नेता माने, आपको इसमें भी ऐतराज क्यों रहता है? ये गांधी नेहरू परिवार के प्रति आपकी इतनी ज्यादा कटुता किस लिए है? कोई कटुता नहीं, पूरा सम्मान का भाव है उनके प्रति। मैं तो इस बात को इसलिए कर रहा था कि माननीय मुकेश जी ने कहा कि खड़गे जी के नेतृत्व जी, खड़गे जी का नेतृत्व नहीं रहेगा, नेतृत्व राहुल गांधी का ही रहेगा, एक बात जी। और दूसरा विषय, उनने कहा कि चुनाव के पहले कोई अलायंस नहीं करे, चुनाव के बाद करें। अभी विधानसभा चुनाव तमिलनाडु के स्टालिन के साथ इनका था, एडीएम के साथ अलायंस, असम में इन्हें चुनाव लड़ा, वहां की स्थानीय पार्टी के साथ उनका अलायंस था। ये तय तो कर लें जिनको स्वतंत्र हो गए अकेले चुनाव लड़ना है या अलायंस करके चुनाव लड़ना, अलायंस करके चुनाव लड़ना है। बहरहाल मैं आखिरी बातचीत के लिए आता हूं और एक बार फिर रमेश शर्मा जी के पास आता हूं। रमेश जी, क्या कांग्रेस के संदर्भ में देश की जनता को उम्मीद छोड़ देनी चाहिए या उम्मीद रखनी चाहिए? और अगर उम्मीद रखनी चाहिए तो इस अधिवेशन से कांग्रेस को क्या संदेश देश को जाना चाहिए, इस पर आपका सवाल है। आलोचना तो हमने बहुत कर ली, पर बतौर पत्रकार आपके अंदर एक नजरिया तो होगा कि कांग्रेस को यह तो करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, मोटे तौर पर देश की जनता को कांग्रेस से जरूर उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में अगर प्रतिपक्ष जो है मजबूत होता है, वो किसी भी पार्टी का हो, तो कहीं ना कहीं सरकार पर एक अंकुश रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस का अपना एक इतिहास रहा है, स्वतंत्रता संग्राम रहा है, वो कुछ गलतियां भी उनकी रही हैं, कुछ उतार चढ़ाव भी उनके रहे हैं। और यद्यपि आपने इस बार नहीं पूछा, लेकिन 71 के युद्ध में मैं इंदिरा जी के समझौते के लिए इंदिरा जी को कोई दोष नहीं देता। कई बार परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है जहां हमको समझौता करना पड़ता, उस समय की जो परिस्थितियां थी, दोनों बड़ी शक्तियां थी, उसमें इंदिरा जी को वही समझौता करना था, उसमें मैं उस मामले में उनकी आलोचना नहीं करता। लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये, अगर उन्होंने खड़गे जी को आगे बढ़ाया है, तो खड़गे जी के चेहरे को पूरी प्रतिष्ठा के साथ प्रतिष्ठित करना होगा। अभी भी आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं नाम खड़गे जी का जरूर है, लेकिन कांग्रेस अभी भी राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी, या जो नया चेहरा आ रहा है प्रियंका जी का, उसके आसपास आ रही है। तो कांग्रेस के कांग्रेस भले इन तीन लोगों के निर्देशन पर चले, लेकिन एक उनको संदेश तो देना ही होगा कि हमारा चेहरा खड़गे जी है या कोई दूसरा एक और दूसरा चेहरा है। इसके अलावा खड़गे जी निश्चित रूप से बहुत वरिष्ठ हैं, कहीं ना कहीं नेतृत्व पर एक डायनेमिक चेहरा आना चाहिए। जैसे कुछ दिनों से राहुल गांधी जी जो अपनी डायनेमिकता दिखा रहे हैं, इससे उनकी साख बड़ी है। और मुझे तो जो लग रहा है कि उनकी जो अभी यात्रा उन्होंने निकाली है, राहुल गांधी जी ने निकाली है, इससे कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। अब उस वोट प्रतिशत जो बढ़ेगा, कांग्रेस ने अपनी साख बनाई है, उस कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है। इस यात्रा से कांग्रेस को दो लाभ हुए हैं, एक कांग्रेस की साख बढ़ी है, दूसरी कार्यकर्ता सक्रिय हुआ है। अब अगर कांग्रेस इस रायपुर के अधिवेशन में यह रणनीति बनाती है कि इस यात्रा से जो उनकी साख बढ़ी है, कार्यकर्ता सक्रिय हुआ है, वो वोट में कैसे बदले, अगर वो इस ये रणनीति बनाती है, तो इस अधिवेशन का कांग्रेस को लाभ होगा। और इसका लाभ न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में, बल्कि लोकसभा में भी उनको इसका लाभ मिलेगा। रमेश जी ने बड़ी दिशा दी है, नहीं कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? रमेश शर्मा जी बता रहे हैं, जो 4000 किलोमीटर पसीना बहाया राहुल गांधी ने, उसने पार्टी की साख बढ़ा दी, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ा दी, अब वोट बढ़ जाए, कुल मिला के संघर्ष तो बात का है। क्या इस अधिवेशन में ऐसा कुछ कर लेंगे आप, तो उम्मीद कर ले? पिछले पूरे 5-10 सालों में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है बीजेपी ने राहुल गांधी की प्रतिमा को खंडित करने के लिए। इतना बड़ा सोशल मीडिया पर अभियान, इतना बड़ा हर क्षेत्र में अभियान राहुल गांधी के खिलाफ, उनके उनके मजाक बनाए, उनके लतीफे बनाए, लेकिन भारत जोड़े यात्रा के दौरान जो असली राहुल गांधी है, उनकी प्रतिमा निखर के लोगों के सामने आई है। और जैसा शर्मा जी ने कहा कि उनकी छवि में भी सुधार हुआ है और कांग्रेस पार्टी को भी उसका फायदा हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है कि जो असली राहुल गांधी थे, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश की जनता से उनका परिचय हुआ, और जो उनके ऊपर राख डाल दी गई थी, उनकी छवि को, जो धूमिल गांधी का असली परिचय देश की जनता से हुआ। विनम्रता से आपसे सवाल करना चाहता हूं, मेरे पास समय सीमित रहेगा, लेकिन ये सवाल किए बगैर मेरा मन मानेगा नहीं। ये आपने कहा राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए इन्होंने एक दशक में इतना पैसा खर्च किया, इन्होंने क्या किया ये तो मुझे नहीं पता,
पर आपकी पार्टी या राहुल गांधी अपनी तरफ से कमी छोड़ते हैं क्या? आपने बताया भारत जोड़ो यात्रा में इतनी छवि निकली, सब कुछ हुआ, उसके बाद राहुल गांधी ने क्या किया? वो गए कश्मीर, स्कीइंग करते हुए अपने फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। मुकाबला किससे आपका? नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी को जब भी समय मिलता है तो पता चला वो सेना की वर्दी में सैनिकों के साथ दिखाई देते हैं, वो केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाते हुए दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं देश का नैरेटिव को तो आप जानते हैं, आप तो दोनों क्षेत्रों में काम किए हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी और सियासी क्षेत्र में भी, इस देश को जानते समझते हैं ना? क्या आप नहीं मानते हैं आपका नेता चूक जाता है? जनता जुड़ती कैसे है, जनता जुड़ती कैसे है, जनता को संदेश कैसे जाता है, आपका नेता शायद इस बात को समझ नहीं पाता। चूक नहीं जाता है हमारा नेता, हमारा नेता नेचुरल है, स्वाभाविक है, वो खेलता भी है, वो हंसता भी है और अपनी उम्र के हिसाब से रिएक्ट भी करता है। अब मोदी जी का तो ऐसा है कि स्लीपिंग पॉलिटिक्स, ईटिंग पॉलिटिक्स, 24 घंटे पॉलिटिक्स, राजनीति के अलावा कुछ नहीं। भाई साहब, एक स्वाभाविक व्यक्ति जो भी होगा वो जो सामने खड़ी हुई परिस्थिति है। नायक जी ने जो बात कही है इस पे देश की जनता विचार कर रहे हैं, पर कुल मिलाकर दो शख्सियत है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है। वो राहुल गांधी जिन्हें कांग्रेस अभी भी शायद ये साहस जुटा नहीं पा रही है कि प्रधानमंत्री पद के लिए प्रत्याशी घोषित कर पाए। क्या रायपुर अधिवेशन में एक स्पष्टता कांग्रेस ले पाएगी? क्या एक राजनीतिक दल के तौर पर अपने आने वाले समय की नीतियों को इस अधिवेशन में कोई स्वरूप कांग्रेस पार्टी दे पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल के उत्तर हमें 26 तारीख तक मिल रहे हैं। हम इस चर्चा को लगातार विस्तार देते रहेंगे, लगातार बात करते रहेंगे उस राजनीतिक दल के संदर्भ में जिसके पास एक गौरवशाली इतिहास है, पर भविष्य को लेकर कोई उम्मीद इस पार्टी के साथ रहे या न रखे, इसके सवाल अगले 3 दिन तक हमारे जारी रहेंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का, निराश नहीं होना चाहिए, उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। इसी को शायर ने बड़ी खूबसूरती से कहा है, कांग्रेस को समर्पित हमारा आज का ये शेर है कि रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में दर बनता है। जलील अली ने ये क्या कमाल की शायरी हमारे को दी है। देखें कांग्रेस इस जज्बे को अपने अंदर पैदा कर पाती है, इंतजार है। मेरा मुझे दिया, कल फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ, तब तक के लिए।